दोस्तों, मैंने हाल ही में भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप देखी, जिसे डेब्यूटेंट भानु प्रताप सिंह ने डायरेक्ट किया है। भूत को करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है, जो कि एक हॉरर थ्रिलर है। दोस्तों, इस मूवी के लीड रोल विकी कौशल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस मूवी की स्टोरी एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। ये इंसिडेंट 2003 में जूहू बीच में हुआ था। एक शिप अचानक से विदाउट कोई चालक जूहू बीच आ पहुंची थी, जिसे लेके उधर बहुत केओस हुआ था। इस शिप का नाम एमबी विजडम था, बट मैं आज इसके बारे में आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एमबी विजडम और शिबट पे दो अलग अलग वीडियोस बना रखी है, जिसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा, अब जाकर देख लेना। आज मैं इस वीडियो में भूत द हॉन्टेड शिप की रिव्यू देते हुए इसकी एक कंप्लीट स्टोरी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। सिंस द मूवी इज क्वाइट न्यू, इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू थोड़ी लेट डाल रहा हूँ, कॉज मैं आपको इस मूवी के रिगार्डिंग स्पॉयलर नहीं देना चाहता था। स्टिल, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और आपको एक स्पॉयलर फ्री रिव्यू चाहिए, सो आप नीचे दिए गए स्क्रीन टाइम पर स्किप कर सकते हैं, आपको एक स्पॉयलर फ्री रिव्यू मिल जाएगी। सो वक्त को और ज़ाया ना करते हुए, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, मूवी की शुरुआत 2001 में होती है, जब एक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में एक औरत अपनी बेटी मीरा की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है, ताकि वो ये रिकॉर्डिंग्स अपने हस्बैंड को दिखा सके। मीरा के थर्ड बर्थडे को उसकी मॉम शिप पे सेलिब्रेट करना चाहती थी, क्योंकि मीरा के फादर एक शिप पे कैप्टन थे। आगे हम शीबर्ड नामक एक शिप को देखते हैं, जिस पे मीरा का थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, जहाँ पे उसके पेरेंट्स और कुछ शिप के क्रू मेंबर्स भी थे। आगे सीन में हम किसी को चुटकी बजाते हुए सुनते हैं, और इस आवाज़ को फॉलो करते करते मीरा शिप के अंदर चली जाती है, जहाँ एक अदृश्य शक्ति मीरा को ऊपर की तरफ खींच रही होती है। अचानक से मीरा की डॉल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए मीरा नीचे झुकती है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति मीरा को घसीटते हुए शिप के और अंदर ले जाती है। यहाँ सीन चेंज होकर 2011 में आती है, जहाँ हम पृथ्वी नामक एक आदमी को देख पाते हैं। पृथ्वी अपने बीवी और बच्चे की मौत की वजह से थोड़ा मेंटली अनस्टेबल और डिस्टर्ब लग रहा था। उसके पृथ्वी को किसी की कॉल आती है, जो उसे इन्फॉर्म करता है अबाउट सम गर्ल ट्रैफिकिंग। पृथ्वी एक डॉकयार्ड पे जाता है, जहाँ वो देखता है कि लड़कियों को कंटेनर में भर के बाहर ले जाया जा रहा था। पृथ्वी उन्हें उस कंटेनर से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ पहुंचते हैं, जिनसे पृथ्वी की हाथापाई हो जाती है। लेकिन एट समहाउ पृथ्वी उन लड़कियों को सेफली पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देता है। फिर वहाँ पृथ्वी का फ्रेंड रियाज आ पहुंचता है, जो पृथ्वी को अकेले उन गुंडों से लड़ने के लिए बहुत डांटता है। यह मूवी थोड़ी फ्लैशबैक में आ जाती है, जहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि पृथ्वी ने सपना नाम की एक लड़की से भाग के शादी कर ली थी, जिसमें पृथ्वी के दोस्त रियाज और उसकी वाइफ नीलोफर ने उसकी बहुत मदद की थी। शादी के बाद पृथ्वी को एक बेटी भी होती है, जो इनके हैप्पी फैमिली को कम्पीट करती है, बट एट समहाउ दे डाई। यह मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ व्यूअर्स देखते हैं कि पृथ्वी अभी भी अपने बीवी और बच्चों को हेल्यूसिनेट कर रहा था, क्योंकि वो अपनी दवाई ठीक टाइम से नहीं ले रहा था, और इसी की वजह से पृथ्वी थोड़ा मेंटली अनस्टेबल रहता था। एनीवेज, उसी दिन आधी रात को मुंबई के जुहू बीच पे एक बड़ी सी शिप आके रुकती है, जिसपे एक भी इंसान नहीं था, सो इस शिप को चला कौन रहा था। दूसरे दिन सुबह पृथ्वी, रियाज और उनके बॉस उस शिप को देखने जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके आई थी विदाउट एनी लिविंग थिंग ऑन इट, जिसके वजह से सिक्योरिटीज पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इसलिए पृथ्वी और रियाज के बॉस उन्हें शिप के बारे में पता लगाकर जल्दी से इसे हटाने को बोलते हैं। उसी दिन आधी रात को एक कपल चोरी छुपकर शिप के अंदर जाते हैं, जहां हम व्यूअर्स पहली बार एक लड़की को देखते हैं, जो कि भूत जैसी दिख रही थी। उसके बाद इस कपल को एक अनजानी शक्ति शिप के कमरों के अंदर खींचती है, जिसके बाद शायद इनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे पृथ्वी, जो कि एक सर्विंग ऑफिसर था, वो शिप पे छानबीन करने को जाता है, जहां उसे एक डॉल दिखती है, और ये वही डॉल है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में उस बच्ची मीरा के हाथों में देखा था। खैर, उस डॉल में अचानक से अपने आप ही म्यूजिक बजने लगती है, जिसे पृथ्वी अपने पैरों से बंद कर देता है। पृथ्वी शिप के और अंदर जाता है, जहां एक रूम में उसके हाथ से उसकी टॉर्च गिर के एक डेस्क के नीचे चली जाती है। पृथ्वी उस टॉर्च को लेने के लिए नीचे झुकता है, जहां उसे वही डॉल दिखती है जो कुछ देर पहले उसे बाहर दिखी थी। पृथ्वी उस डॉल को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो डॉल अपने आप ही दूर खिसकने लगती है। फिर जब पृथ्वी टॉर्च लेके खड़ा होता है, उसे वो डॉल फिर बाहर एक डेस्क पे दिखती है, जो इतने देर से डेस्क के नीचे थी। इन सब चीजों की वजह से पृथ्वी थोड़ा डर जाता है, और रात को सोते वक्त भी उसे इस डॉल की हेलुसिनेशंस आती है। दूसरे दिन पृथ्वी अपने दोस्त रियाज के साथ फिर से शिप के उसी कमरे में जाता है, जहां उसे डॉल दिखी थी। आज उस कमरे में कोई डॉल तो नहीं दिखी, लेकिन उस कमरे के एक कवर्ड से पृथ्वी को कुछ वीडियो फुटेजेस और कागज से दस्तावेज मिलते हैं, जिसे पृथ्वी अपने साथ ले लेता है। शिप से बाहर जाते वक्त पृथ्वी को किसी के चुटकी बजाने की आवाज़ आती है, जिसे वो फॉलो करते करते फिर से शिप के अंदर चला जाता है। शिप में आगे एक डोर अपने आप ही खुल जाता है, जहां हम व्यूअर्स एक बिल्कुल ही न्यू रूम को देख पाते हैं, अनलाइक द अदर रूम्स ऑफ द शिप।
पृथ्वी इस रूम को देख के कुछ हैरान सा हो जाता है और इसके फोटोज क्लिक करने लगता है। फोटोज क्लिक करते करते पृथ्वी को अचानक से एक इंसान दिखता है जो कि शिप से भागते हुए नीचे कूद जाता है। विकी उसे फॉलो करते हुए नीचे देखता है लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता। विकी जैसे ही पीछे मुड़ता है वो इंसान फिर से भागते हुए उसके तरफ आता है, जिससे डरकर पृथ्वी नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। इन नेक्स्ट सीन हम व्यूअर्स पृथ्वी को रियाज के घर देखते हैं जहां वो उसे शिप के उस न्यू रूम के फोटोज दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोटोज में वो रूम शिप के बाकी रूमों जैसे पुराने हालत में ही था, जिसे देख पृथ्वी थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। उसी दिन रात को पृथ्वी शिवट से मिले वीडियो फुटेजेस को एक दुकान से रिपेयर करवा लाता है और अपने रूम में प्ले करता है, जिसमें शिवट्स की रिकॉर्डिंग होती है। उस वीडियो में हम मीरा के पेरेंट्स को देखते हैं जहां में पता चलता है कि मीरा के पिता काइंड ऑफ थोड़े अब्यूसिव थे और उसके मॉम को मारते पीटते थे। इतना ही नहीं, रिकॉर्डिंग्स में हमें आगे पता चलता है कि शिवट्स में पहले स्मगलिंग वगैरह भी होती थी, जिसे मीरा की मॉम ने अपनी वीडियो में रिकॉर्ड किया था। इसके बाद पृथ्वी को उसके फ्रेंड रियाज की वाइफ नीलोफर की कॉल आती है जो उसे प्रोफेसर जोशी से मिलने बुलाती है। नीलोफर चाहती थी पृथ्वी प्रोफेसर जोशी से बात करे क्योंकि उसे लगता था पृथ्वी साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, लेकिन जब प्रोफेसर जोशी पृथ्वी से क्वेश्चनिंग और बात कर रहे थे तो पृथ्वी उनके बातों को काट देता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि प्रोफेसर जोशी भूत प्रेत इन सब पे ट्रस्ट करते थे और पृथ्वी शायद नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दो लड़कों को बीच में एक बॉडी मिलती है जो कि शायद उसी कपल की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में शिप में जाते हुए देखा था। इस न्यूज के बाद हर जगह अफरा तफरी फैल जाती है, जिससे पृथ्वी के बॉस पे प्रेशर आता है। बॉस पृथ्वी और रियाज को दोनों को एट एनी हाउ वहां से शिप हटाने को बोलते हैं। उसके बाद पृथ्वी और रियाज एक छोटे से बोट के मदद से शिबट को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिबट इतना गंदा जमीन में धंस चुका था कि उसे टांगते हुए इस छोटे शिप की इंजन जल जाती है और उस शिप से धुआं उठने लगता है। उसके बाद उस शिप से एक इंसान नीचे पानी में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए पृथ्वी भी पानी में कूद जाता है। उस इंसान को बचाते वक्त पृथ्वी को शिवट शिप के नीचे एक लड़की भी दिखती है। उसके बाद पृथ्वी की जब आंख खुलती है वो हॉस्पिटल में था और होश में आते ही वो अपने फ्रेंड रियाज से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन रियाज बताता है कि वहां पे कोई भी लड़की नहीं थी। उसी रात पृथ्वी को फिर से नाइटमेयर्स आते हैं और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि पृथ्वी की वाइफ सपना और उसकी बेटी मेघा की डेथ रिवर राफ्टिंग के दौरान हुई थी। एक्चुअली ये तीनों कई रिवर राफ्टिंग के लिए गए हुए थे, जहां सपना कहती है कि ये लाइफ जैकेट बड़ों के लिए है जो मेघा पे फिट नहीं आएगी, सो इट्स बेटर कि वो और मेघा यही खड़े रहे और पृथ्वी जाके अगले रिवर राफ्टिंग कराए। लेकिन पृथ्वी नहीं मानता और वो तीनों एक साथ चले जाते हैं, जहाँ हाई टाइड्स की वजह से बोट उलट जाती है और पानी के तेजी के कारण से सपना और मेघा की डूब के मौत हो जाती है, और इसी की वजह से पृथ्वी हमेशा गिल्ट में रहता था और उसे अपने बीवी बच्चों के हेलुसिनेशंस भी आते रहते थे। एनीवेज, उसी दिन आधी रात को पृथ्वी फिर से सीवट पे जाता है, जहां उसे चुटकियों की आवाज फिर आती है। वो इन आवाजों का पीछा करता है और चिल्लाकर ये कहता है कि वो यहाँ उसकी मदद करने आया है, तो जो भी है वो सामने आए। उसके बाद पृथ्वी उस भूत जैसी लड़की को देखता है, जिसे देखकर पृथ्वी एक स्टेयरकेस से नीचे गिर जाता है और गिर के बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रियाज पृथ्वी को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते उसके घर जाता है जहां पृथ्वी नहीं रहता। फिर वो समझ जाता है कि पृथ्वी शिप पर गया होगा। यहाँ पृथ्वी को होश आता है और होश में आने के बाद पृथ्वी जहाज से निकलने की कोशिश करता है। उसके बाद वो भूत जैसी लड़की फिर से दिखती है जो पृथ्वी पे इस बार हमला कर देती है, लेकिन एन वक्त पे रियाज आके पृथ्वी को बचा लेता है और दोनों दोस्त शिप से कूद के भाग जाते हैं। वहां से निकलने के बाद पृथ्वी सीवट से मिले हुए वीडियो फुटेजेस को बार बार देखता है, जहां उसे मीरा दिखती है। उसके अलावा उसको बाथरूम के मिरर में भी वो भूत जैसी लड़की दिखाई देने लगती है। इसके बाद पृथ्वी वीडियो को फिर से देखता है और वो देखता है कि मीरा के बर्थडे में शामिल हुए सभी लोग एक साथ शिप से कूद के सुसाइड कर लेते हैं। ये सब देख के पृथ्वी रियाज नीलोफर और प्रोफेसर जोशी से मिलकर ये बताता है कि जहाज पे जो भूत जैसी लड़की है वो और कोई नहीं, मीरा है, और वो अभी भी जिंदा है और शायद उसे किसी ने पजेस कर रखा है, क्योंकि मरे हुए लोगों की उम्र नहीं बढ़ती। क्योंकि 2001 में मीरा 3 साल की थी और अभी जिस लड़की को वो लोग सीबर्ट पे बार बार देख रहे थे वो एक 13-14 साल की टीनेजर थी। एंड इवन जो डॉल वीडियो में मीरा के पास दिख रही थी वही डॉल पृथ्वी को शिप में कई बार दिख चुकी है। पृथ्वी की सारी बातों से प्रोफेसर जोशी एग्री करते हैं और ये लोग सीबर्ट की हिस्ट्री रिसर्च करने लग जाते हैं, ताकि वो पता लगा सके कि मीरा को इतने सालों तक उस शिप में किसने पजेस कर रखा है। पृथ्वी रिसर्च के दौरान सीबर्ट की हिस्ट्री से जुड़े हर एक इंसान को कॉल करता है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं लग पाता। रात को पृथ्वी फिर से उन वीडियो फुटेजेस को अच्छी तरह से चेक करता है, जहां उसे इस बार एक आदमी दिखता है जो कि चुटकी बजा रहा था, और ये वही चुटकी की आवाज थी जिसे पृथ्वी ने इससे पहले भी शिप में कई बार सुना था। यहां सीन शिफ्ट होकर शिबट पे दिखाती है, जहां हम व्यूअर्स उस भूत जैसी लड़की को देख पाते हैं जिसे एक अनजान सी आकृति रॉ फिश खाने को देती है। यहां हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि मीरा अब तक इतने सालों से इस जहाज में जिंदा कैसे है। खैर, इसके बाद पृथ्वी प्रोफेसर जोशी के पास जाता है, जहां पृथ्वी उन्हें बताता है कि ये चुटकी बजाने वाला शख्स ही शायद मीरा को पोजेस कर रखा है, क्योंकि उसने इन चुटकियों की आवाज शिप में इससे पहले भी सुनी थी। वहां रियाज इन लोगों के पास आता है, जिसे शिबट की हिस्ट्री के बारे में शायद कुछ पता चला था। वो बताता है कि ओमान से मिले एक रिकॉर्ड के हिसाब से 1998 में जो क्रू शिप में था
वही सेम क्रू 2003 में भी थी, बस 2003 में एक एक्स्ट्रा नाम था एंड दैट नेम वाज बंदना। रियाज बंदना की फोटो भी लाया था ढूंढ कर, और ये औरत और कोई नहीं मीरा की मॉम थी। उसके बाद पृथ्वी और प्रोफेसर जोशी बंदना के बारे में और ढूंढने निकलते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बंदना अभी तक जिंदा है। ये दोनों जाके बंदना से मिलते हैं और बंदना से उन्हें पता चलता है कि शीबट में स्मगलिंग का काम होता था, और ये स्मगलिंग का काम शीबट के कैप्टन कराते थे जो कि बंदना के पति थे। बंदना बताती है कि उसके पति बहुत ही अब्यूजिव थे और उसको मारते पीटते रहते थे। इसी वजह से बंदना ने एक दिन शिप से कूद के सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन शिप के एक क्रू मेंबर ने उसे आके बचा लिया, जिसका नाम अमर था। दोस्तों, अमर और कोई नहीं वही चुटकी बजाने वाला शख्स था जिसको पृथ्वी ने वीडियो में देखा था। एनीवेज, वंदना और अमर इस इंसिडेंट के बाद थोड़े करीब आने लगते हैं एंड इवेंचुअली दे फॉल इन लव विद ईच अदर। वो लोग शिप के स्मगलिंग के रिकॉर्डिंग करने लगे ताकि वो एविडेंस लेके शिप से भाग सके। वंदना पृथ्वी को बताती है कि स्मगलिंग का माल छुपाने के लिए कैप्टन ने शिप में एक सीक्रेट रूम बनवाया था, जिसे किसी को भी पता ना लग सके कि स्मगलिंग का माल कहाँ छुपा रखा है। इसलिए 1998 में शिप के पकड़े जाने के बाद भी शिप से किसी को कुछ ना मिला और शिप छूट गई। मोरओवर, कैप्टन उस रूम को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट था, और जब भी कोई इस रूम में विदाउट एनी परमिशन जाने की कोशिश करता, कैप्टन उसे मरवा देता। एनीवेज, वंदना आगे बताती है कि उसने और अमर ने मिलके पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन एक रात अमर फिर से रिकॉर्डिंग करने चला जाता है, जहाँ उसे कैप्टन पकड़ लेता है। कैप्टन उसे पकड़ के बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी अमर कोई एविडेंस कैप्टन को नहीं देता। एक्सट्रीम टॉर्चर के वजह से 2 दिन बाद अमर अपना दम तोड़ देता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वंदना ये भी रिवील करती है कि मीरा उसकी और अमर की बेटी है, कैप्टन की नहीं। वंदना आगे आती है कि कैप्टन ने विक्टर नाम के एक आदमी को अमर की लाश को शिप से बाहर फेंकने को बोला था, लेकिन डोंट नो व्हाई विक्टर खुद ही शिप से कूद के सुसाइड कर लेता है। और ये विक्टर वही आदमी था जिसे पृथ्वी ने मूवी के स्टार्टिंग में शिप से कूदते हुए देखा था। वंदना का ये भी कहना था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कैप्टन के साथ सिर्फ इसलिए रही क्योंकि कैप्टन मीरा के पैदा होने के बाद बदल चुका था। उसे लगता था कि मीरा उसकी बेटी है और उसने वंदना को मारना पीटना भी बंद कर दिया था। खैर, वंदना पृथ्वी और प्रोफेसर जोशी के साथ शिप चली गई बोलती है, क्योंकि उसके हिसाब से अमर ने मीरा को शिप के उसी सीक्रेट रूम में छुपा रखा होगा जहां तक उन्हें सिर्फ खुद वंदना पहुंचा सकती है। अगले सीन में पृथ्वी, प्रोफेसर जोशी, रियाज और वंदना शीबट पे पहुंचते हैं, और उनका प्लान था कि वो अमर की डेड बॉडी को खोज के उसको आग लगा देंगे ताकि अमर की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और वो मीरा को छोड़ दे। वंदना शिप के ऊपर डेक पे रुकती है और वॉकी टॉकी के मदद से सीक्रेट रूम का रास्ता बताती है, और पृथ्वी, रियाज और प्रोफेसर जोशी आगे शिप के अंदर जाते हैं। पर बीच में ही वो लड़की जिसे अमर की घोष ने पोजेस कर रखा था, वो रियाज से पेट्रोल के दोनों कंटेनर्स ले जाती है और रियाज, प्रोफेसर जोशी और पृथ्वी से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं डेक पे जो वंदना खड़ी थी, उसे चुटकी की आवाज आने लगती है और वो उस चुटकी की आवाज को फॉलो करते करते मीरा को ढूंढते हुए शिप के अंदर चली जाती है। वहां मीरा को ढूंढते ढूंढते वंदना को एक लीवर जैसी चीज दिखती है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आ जाता है। वो उस लीवर को पुल करने लगती है, जिससे सीक्रेट रूम का दरवाजा नीचे ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जिसे पृथ्वी और प्रोफेसर जोशी बहुत देर से खोलने की कोशिश कर रहे थे। सीक्रेट रूम के खुलते ही प्रोफेसर जोशी और अमर उसके अंदर जाते हैं, जहां अमर की घोष प्रोफेसर जोशी पे अटैक कर देती है, और तभी वहां वंदना भी आ जाती है। पृथ्वी वंदना को बाहर जाने को बोलता है और उसको जैसे ही छूता है तो अचानक से उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि वंदना ने ही अमर को मारा था। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन के 2 दिन टॉर्चर करने के बाद भी अमर जिंदा था। एक्चुअली वंदना 2 दिन बाद अमर के पास जाती है और अपने प्रेग्नेंट होने का न्यूज देती है, जिसे सुनकर अमर जख्मी हालत में भी बहुत खुश होता है। ये गुड न्यूज देने के बाद वंदना अमर को हग करती है और एक नाइफ की मदद से अमर के बैक में स्टैब कर देती है, जिससे अमर की मौत वही हो जाती है। और वंदना ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कैप्टन को उसके और अमर के बारे में पता ना चले और उसकी और उसके बच्चे की जान बच जाए। विकी इस विजन को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ रियाज, जो पृथ्वी और प्रोफेसर जोशी से अलग हो चुका था, उसे शिप के डेक पे जाके याद आता है कि शीबर्ट से ढेर सारा डीजल लीक हो रहा था, इसलिए वो डीजल का लीवर खोल देता है, जिससे नीचे सिगरेट रूम में डीजल गिरने लगता है। खैर, नाउ वंदना अमर के घोष से माफी मांगती है और मीरा को उसे लौटाने बोलती है, बट अमर का घोष बहुत ही गुस्से में था, इसलिए वो वंदना की एक ना सुनते हुए एक रॉड की मदद से उसके गले में अटैक कर देता है, जिससे वंदना की मौत हो जाती है। उसी बीच प्रोफेसर जोशी को भी मीरा मिल जाती है, जो कि बेहोशी के हालत में पड़ी हुई थी। ये देख के अमर प्रोफेसर जोशी पे अटैक कर देता है। तभी पृथ्वी को अमर की डेड बॉडी के स्केलेटन ऊपर सीलिंग से लटकी दिखाई देती है, और पृथ्वी एट एनी हाउ अमर के घोष से जूझते हुए उस स्केलेटन में आग लगा देता है, जिससे अमर का घोष जो अभी तक पृथ्वी पे अटैक कर रहा था वो भी अब धीरे धीरे जलने लगता है, और पृथ्वी मीरा को लेकर शिप से बाहर कूद जाता है। अगले सीन में हम पृथ्वी और मीरा को पृथ्वी के घर में देखते हैं, जहाँ पृथ्वी मीरा को फोक के मदद से नूडल खाना सिखा रहा था, और इस सीन को देख के हम क्लियरली समझ पा रहे थे कि पृथ्वी ने मीरा को काइंड ऑफ एडॉप्ट कर लिया है और अब वही उसे पाल पोस के बड़ा करेगा। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी खत्म होने के बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे पृथ्वी के घर में एक अनजान सी आकृति यहाँ से वहाँ तेजी से भागती है, विच क्लियरली इंडिकेट्स द पार्ट 2 इज कमिंग फॉर श्योर।
Now come to the review. So the first thing I want to say about this movie is that Bhoot Part 1 The Haunted Ship is a okay type movie for me. मूवी में काफ़ी पोटेंशियल थी लेकिन एक्स्ट्रा साइड प्लॉट्स ने अच्छी खासी चीज़ का कबाड़ा कर दिया। मूवी की इंस्पिरेशन एक ट्रू इंसिडेंट से ली गई थी जो कि काफ़ी मिस्टीरियस और सॉलिड थी लेकिन मेकर्स मूवी में उसको स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं कर पाए। विकी कौशल ने मूवी में अच्छा खासा काम किया है। भूमि पेडनेकर हमें एक दो सीन में कैमियो करती हुई दिखी और बाकी पात्रों ने भी ठीक ठाक काम किया है। एक्चुअली राइटिंग में इतना दम था ही नहीं कि कोई भी पात्र खुल के सामने आ सके। मूवी में कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि मूवी को बिल्कुल सीरियस रखा गया है और इसमें ज़बरदस्ती के कोई फालतू गाने नहीं डाले गए। इसमें हमें प्यार की ताकत भूत पे भारी पड़ता है ये वाला फंडा भी नहीं दिखाया गया, जिसके लिए थैंक गॉड। इस मूवी के कैमरा एंगल्स भी बहुत शानदार तरीके से ली गई है। इसके अलावा मूवी में दो तीन जंप स्केयर सीन्स है जो शायद आपको डराने में सफल हो। स्टिल इतने सारे रीजंस के बाद भी मूवी आपको अपने साथ बांध के रखने में कामयाब नहीं होती और लास्ट सीन में तो इन्होंने भूत को मारने में कबाड़ा ही कर दिया। 21 February को दो हॉरर मूवी रिलीज हुई थी, पहली भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप और दूसरी द बॉय 2। सो अगर इस हफ्ते आपको कोई हॉरर मूवी देखने का मन कर रहा है या फिर आपका किसी के साथ हॉरर मूवी देखने का प्लान है तो आप भूत के लिए जा सकते हो जो द बॉय 2 से तो फार बेटर है। सो फॉर मी भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप इज़ ए 2 out of 5 वाला मूवी। एंड रिमेंबर दिस ऑल आर माई पर्सनल ओपिनियन, सो आपकी ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकती है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। सो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आपने मेरी आवाज़ पहली बार सुनी है और इस चैनल पे नए हो तो उस लाल वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। और अगर आपको किसी भी मूवी की एक्सप्लेनेशन या फिर स्टोरी के बारे में जानना हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।